हेलो दोस्तों, आज सिखाऊंगी ये न्यू डिजाइन का डोरमेट। ये देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। आइए मैं इसको बनाना सिखाती हूँ। आज सिखाऊंगी ये वाला डोरमेट। ये देखें इस तरह से, इसमें हमने 5 पत्तियां बना ली हैं और एक पत्ती और बनाने को है। तो मैं शुरुआत से ही बता रही हूँ, ऐसा समझिएगा आप। ये देखें हमने 14 फिंदे इसके डाले हैं रेड के, और 2 फिंदे हमने ये पीले के डाले हुए हैं। तो 16 फिंदे मेरे पास हैं। ये 16 फिंदे में ये डोरमेट बनके तैयार हो जाएगा। ये देखें किस तरह से बनाएगा। ये तो फिंदे हमने डाल लिए हैं 16, और 16 फिंदे डालने के बाद इस तरह से हम एक फिंदे को बढ़ाएंगे ऊपर की से, और इसको इस तरह से बुन लेंगे। और एक फिंदा है जे हम रेड से बनाएंगे इस तरह से। ये देखिएगा इधर से हमने 8 फिंदे बिन लिए और एक फिंदा ये हमारा बढ़ाया हुआ है। नीचे की साइड से 6 फिंदे हम ब्लू कलर से बनाएंगे और सिलाई को पलट लेंगे, और जो जैसे कलर के फिंदे हैं उसी कलर से हमें, ये देखें हमने सीधी साइड से जो जैसे कलर के थे उसी कलर से हमने बुन लिया है। सीधी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, जो फिंदे हैं वही बिनने हैं। अब इधर से फिर देखें, एक फिंदे को फिर से हम इस तरह से बढ़ाएंगे। अब 2 फिंदे बढ़ चुके मेरे पास, 2 बढ़ा लिए और 4 फिंदे और बढ़ाएंगे इसी तरह से, और एक एक करके ये हम रेड करने लगेंगे और नीचे से हम 2-2 करके छोड़ने लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए पत्ती बनाने के लिए 2 फिंदे हम ये रेड के ब्लू कर लेंगे तरह से। 2 फिंदे हम बगैर बुने हुए नीचे की साइड से छोड़ देंगे। ये देखें छोड़ दिए हैं, सिलाई को पलट लिया है। ये देखें इसी तरह से हम 6 फिंदे बढ़ा लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखो 8 फिंदे हमने नीचे की साइड पे छोड़ लिए हैं और 6 फिंदे हमारे पास बगैर छूटे हुए हैं, और 6 फिंदे ये ऊपर की साइड पे बढ़ाए हुए हैं। 4 फिंदे जे और 2 फिंदे ये। तो अब देखें ये गुलाई के लिए हमें कैसे बनाना है। यहां से हम फिंदे को नहीं बढ़ाएंगे, अब हम ये चारों फिंदे बिनेंगे। बाकी ये ब्लू फिंदे को अभी नहीं हम छुएंगे। सिलाई को पलट लिया है। अब देखें अब 2 फिंदे हम बगैर बुने हुए नीचे की साइड पे छोड़ देंगे रेड वाले। ये देखें इस तरह से, और सिलाई को पलट लें। ये देखो अब क्या करना है, ये 2 हम रेड बनेंगे और सिलाई को पलट लेंगे इधर से भी। ये देखो हमने इधर गुलाई पूरी कर ली है, और ये 4 फिंदे डबल बार हमने बुन लिए हैं। 2-2 करके हमने ये छोड़े थे, फिर 2-2 करके हमने ये बुन लिए हैं। अब देखें यहां से देखिएगा, यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से, और रेड वाले में से 1 बुन लेंगे। यहाँ देखिएगा यहाँ पे जो गैपिंग है वो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 फिंदे हमने ब्लू वाले इसमें मिल लिए। अब ब्लू वाले देखिएगा, 4 फिंदे मेरे पास बगैर बुने हुए हैं,
और दो फिंदे हम बगैर बुने हुए बिन लेंगे तो 6 फिंदे हो गए। और तो सिलाई को हम यहीं से पलट लेंगे इस तरह से। फिर से देखें, यहाँ पे 2 का 1 और रेड वाले में से हम एक और बिन लेंगे तो 2 के 2 फिंदे रहेंगे। ये देखें 2 ब्लू वाले रेड कर लेंगे और 2 हम नीचे की साइड से बगैर बुने हुए वो बुन लेंगे। यहाँ गैपेंगे तो इस तरह से हम फिंदे को उठाएंगे तो फिंदे में के साथ बिन देंगे इस तरह से, सिलाई को पलटते जाएंगे। इसी तरह से हम ये यहाँ तक करेंगे तो वो 6 फिंदे जो हमने बढ़ाए हैं वो भी कम हो जाएंगे और ये यहाँ तक ये कली भी बन के तैयार हो। ये देखो हमने 2-2 करके सारे फिंदे जो 6 फिंदे बढ़ाए थे वो हमने पूरे 6 फिंदे कम कर लिए हैं। और अब देखें जो 6 फिंदे नीचे की साइड पर रह गए हैं पत्ती वाले वो हम इस तरह से बुन लेंगे। इस तरह से बुन के ये कंप्लीट करके फिर हम इसी तरह से फिर जिस तरह से ये पत्ती शुरुआत में हमने बताई थी शुरुआत की थी उसी तरह से हमें शुरुआत करना है। फिर 6 फिंदे हम ब्लू कर लेंगे और इधर से हम एक एक फिंदे को बढ़ाने लगेंगे और एक ये हम ऊपर की साइड पे ये 2 हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे तो एक हम रेड करते जाएंगे। ये इसी तरह से हमने ये डोरमेट बना के कम्प्लीट कर लिया है। ये देखिएगा हमने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है। और बड़ा बनाना चाहती हैं तो इसी तरह से और बड़ा बना सकती हैं।